मैच के दौरान हुआ कुछ ऐसा कि गुस्से से लाल हो गए विराट। मैच के बाद ऑरेंज कैप लेने से किया इनकार। आईपीएल सीजन 11 में भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ वही हो रहा है जो पिछले 5 साल से हमें देखने को मिलता आ रहा है। सीजन 11 में भी आरसीबी की टीम पूरी तरह से अपने कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर टिकी हुई है। मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी विराट कोहली ने नाबाद 92 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका और बैंगलोर ये मैच 46 रनों से हार गई। हालांकि विराट कोहली अपनी इस पारी की बदौलत अब मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जिसके तहत मैच के बाद विराट कोहली को ऑरेंज कैप दी गई। विराट कोहली ने ये ऑरेंज कैप ले तो ली, लेकिन उसे पहनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं इस कैप को नहीं पहनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी यह करना ठीक नहीं होगा। दरअसल विराट के गुस्से का वजह यह थी कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी के दौरान का 19वें ओवर में बेहद नजदीकी मामले में हार्दिक पांड्या को थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। साथ ही हार्दिक पांड्या ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए अगली दो गेंदों में दो शानदार छक्के लगा दिए। कोहली ने मुंबई की बल्लेबाजी खत्म होने के बाद भी अंपायर से इस बात की नाराजगी भी जाहिर की। विराट कोहली थर्ड अंपायर के इस फैसले के बाद बार बार स्क्रीन की ओर इशारा कर अंपायर को उनकी गलती दिखाते भी नजर आए।